सो लॉगरिथम की फर्स्ट क्लास है ये, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन टू फॉर्म्स, वन एक्सपोनेंशियल, अदर लॉगरिथम। अगर आपको नंबर किसी पावर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है लाइक दिस, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर आगे लॉग दिखाई दे रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम फॉर्म। तो पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम, लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल। सबसे पहला नंबर क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2 raised to 5 इक्वल टू 32। तो यहां पे एक्सपोनेंट से लॉग में जाना हो तो राइट साइड में लॉग अप्लाई कर दो, तो मतलब ये क्या बन गया, लॉग 32। उसके बाद में जो बेस एक्सपोनेंट का है वही बेस लॉग का भी हो जाएगा, तो बेस में 2 और बचा क्या आंसर में 5। सिंपल। एक और बार ट्राई करेंगे, 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81। तो राइट में आपका लॉग आ जाएगा, लॉग 81। किस कितना बेस, बेस में 3, आंसर क्या 4। ओके, एग्जांपल नंबर 3, 10 to the power -2 इज इक्वल टू 1/100। तो अब यहां पे लॉग 1/100 टू द बेस 10, द आंसर इज -2। ओके, तो बाकी जो ई डी और ई है ये आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस, ये आप लोग को वापस से ट्राई करना है होमवर्क, बी और ई। अब हम ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 2। सो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, log 343 टू द बेस 7 इक्वल टू 3। log 343 टू द बेस 7 इक्वल टू 3। तो कुछ ही नहीं करना है, बहुत ही इजी है, खाली ये बेस को उठा के यहां से इसका बेस बना दो, आंसर आ गया, बस बात खत्म। 343 इज एक्चुअली इक्वल टू 7 to the power 3, फिनिश। सेकेंड एग्जाम्पल, log 3 to the base 3 इक्वल टू 1। तो ये नीचे का 3 यहां पे बेस बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3 to the power 1। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर सी, log 9 बेस 27 इक्वल टू 2/3। तो क्या आंसर आएगा इसका, 9 इज एक्चुअली इक्वल टू 27/2/3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर डी, log 0.01 base 10 इक्वल टू -2। सो यहां पे 0.01 इक्वल टू 10^-2। समझ में आया, यस और नो? अब ये एकदम सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है दैट इज रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तो क्या है रूल्स ऑफ लॉगरिथम? रूल नंबर 1, log a + log b इज इक्वल टू log a b। अब एक बात का ध्यान देना कि अगर प्लस रहा तो आउटकम में मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, लेकिन जो दोनों का बेस है वो सेम होना चाहिए, बेस में फर्क नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल log 2 + log 3, आंसर log 2 * 3, दैट इज log 6। ये पहला रूल है, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। रूल नंबर 2,
log a minus log b, it is equal to log a upon b. हम लोग क्या बोलते हैं, log a upon b. इसका एग्जाम्पल है log 10 माइनस log 5 log 10 upon 5 that is log 2. इसके बाद में रूल नंबर 3, log a रेस टू बी, किसी नंबर में पावर लिख रहा है तो वो पावर जो है वो क्या होगा, आगे आएगा, दैट इज बी इंटू लॉग ए. एग्जाम्पल लॉग टू रेस टू फाइव इज इक्वल टू फाइव लॉग टू. ठीक है, यस और नो? इसके बाद में द फोर्थ रूल इस चेंज ऑफ बेस रूल. तो लॉग ए बेस में बी, अब ये बी कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 100, एनीथिंग, और मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बेस में ई चाहिए, तो मैं ये रूल यूज करूंगा. तो इसके आंसर में आएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी. ठीक है, और ये रूल बहुत काम आता है इवैल्यूएशन के लिए, कॉम्प्लेक्स टर्म को सिंपली सॉल्व करने के लिए बहुत काम आता है. आप इसे देखोगे अपने एग्जांपल नंबर 3 में. ठीक है, सो रूल समझ में आ गया. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. पॉइंट नंबर 1, लॉग 1 इज ऑलवेज 0, बेस में कुछ भी रहने दो, लॉग 1 क्या रहेगा हमेशा अपने लिए 0. पॉइंट नंबर 2, log a टू द बेस a, द आंसर इज 1. अगर log का नंबर और बेस का नंबर सेम है तो आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? अब कुछ एग्जांपल देखेंगे इवैल्यूएशन के. यहाँ पे हम थोड़े आसान टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पर डिफिकल्ट है तो उसको लास्ट में देखेंगे. पहले थोड़ा आसान एग्जांपल देखेंगे, लॉग 64 टू द बेस 4. सबसे पहले मैं देखो कि बेस अलग दिया भाई, बेस अलग है तो मैं चेंज ऑफ बेस रूल का इस्तेमाल करूंगा और यहां पर आंसर में लिखूंगा लॉग 64 अपॉन लॉग 4. अब मैं ये सोचता हूं कि मैं किस तरीके से 64 को अगर पॉसिबल हो तो 4 के पावर में एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या. द आंसर इज यस, आई कैन एक्सप्रेस 64 इन द पावर ऑफ 4, दैट इज 4 क्यूब. सो माय आंसर विल बी लॉग 4 क्यूब टू द पावर डिवाइड बाय लॉग 4. अब ये 3 क्या होगा, आगे आएगा 3 टाइम्स log 4 अपॉन log 4 कैंसल, द आंसर इज 3. इज दैट क्लियर, यस और नो? अब एग्जाम्पल नंबर सी देखेंगे, log 14 टू द बेस 2 log 7 टू द बेस 2. अब मुझे बताइए कि अगर माइनस रहा तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, डिवाइड वाली, करेक्ट. आंसर में क्या आएगा, log 14 अपॉन 7 बेस में 2, दैट इज log 2 टू द बेस 2. और ये मैं सिखाया था आपको कि अगर log का नंबर और बेस सेम रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, 1. तो यहाँ पर आंसर में कितना आ गया, 1. दैट्स इट, सिंपल. इज दैट क्लियर? अगला एग्जांपल log 1 अपॉन 1024 टू द बेस 2. अब ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. नाउ जो 1 अपॉन नंबर होते हैं ना, अगर मैं उसे ऊपर लिखूं तो माइनस में पावर आता, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 1024
रेज टू माइनस वन बेस में टू। समझा कि नहीं समझा? यस और नो? बराबर है। अब 1024 इज एक्चुअली 2 raised to 10। क्या होता है वो? तो ये बना दूंगा मैं log 2 raised to 10 माइनस वन और बेस में टू। बराबर है। व्हाट इज 1024? 2 to the power 10। अब इसके बाद में दिस विल बी log 2 raised to -10 बेस टू। समझा कि नहीं? मैंने क्या किया? माइनस वन को और टेन को मल्टीप्लाई किया। यहां पे चेंज ऑफ बेस रूल का इस्तेमाल करूंगा, या फिर अगर नहीं यूज करना हो तो माइनस टेन को भी आगे लूंगा, तो एनीथिंग कैन बी डन। मैं माइनस टेन को आगे लेता हूं, माइनस टेन इंटू, अब आंसर में क्या आएगा? दैट्स इट। इज दैट क्लियर? यस और नो? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? अब लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे इस एक्सरसाइज का, फिर फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लॉग बेस टू 8√2, ठीक है? सो दिस विल बी लॉग बेस में टू है 2³ × 2½, बिकॉज 8 कैन बी रिटन एज 2³ एंड रूट 2 कैन बी रिटन एज 2½। नाउ बाय द लॉ ऑफ इंडाइसेस 3 और हाफ प्लस होगा और आंसर में आएगा लॉग बेस 2 7/2। ऐसे बराबर है। अब वो 7/2 का आगे लिख लो इंटू लॉग 2 बेस में 2 1। वेरी गुड। आई होप इट वॉज इजी फॉर यू, राइट? अब कन्वर्ट इंटू सिंगल लॉगरिथम, बहुत इजी है। कन्वर्ट इंटू सिंगल लॉगरिथम, तो लॉग की जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी अभी, उनका इस्तेमाल करके हमें इसे कॉम्प्रेस करके सिंगल लॉग में लेके आना है। वही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है? लॉग 3 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 5। तो लॉग 3 प्लस लॉग 2 क्या हो जाएगा? लॉग 6 माइनस लॉग 5। एंड लॉग 6 माइनस लॉग 5 क्या बन जाएगा? 6/5 सिंगल लॉग में लॉग। दैट्स इट, सिंपल। क्या हार्ड था क्या? नहीं। अगला एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चे लोग। 2 log 5 3 log 4 माइनस 4 log 2। तो सबसे पहले, वेरी फर्स्ट, आप सारे जो कोएफिशिएंट्स है उनको पावर में लेके आ जाओ। मतलब ये टू यहां पे लिख सकते, बराबर है। ये 3 यहां लिख सकते, बराबर है। और ये 4 यहां लिख सकते, करेक्ट है। तो आंसर में क्या बनेगा? लॉग 5 का स्क्वायर 4 का क्यूब 2 raised to 4। यस और नो? समझ में आया? 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? लॉग 25 प्लस लॉग 64। ओके, अब आप अगर सोच के देखिए, एक शॉर्टकट और काम खत्म। जिसमें प्लस है उसमें मल्टीप्लाई, जिसको माइनस है वो डिवाइड। तो एक शॉर्टकट दिखाता हूं, लॉग ब्रैकेट
25 मल्टीप्लाई बाय 64 अपॉन 16, समझा कि नहीं? क्योंकि जो प्लस में मल्टीप्लाई में जाएगा वो ऊपर रहेगा, जो माइनस में है वो डिवाइड में जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, और इसका आंसर 16 वन जार, 16 फोर जार, द अल्टीमेट आंसर इज इट डन? चलो फटाफट कॉपी करो ये बात।